गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई होप मेरी आवाज आ रही है अभी। कैन कोई कंफर्म कर सकता है? यस सर। अच्छा, एक्चुअली मैं पहले आपको जो भी मैं आपको सिखाने लगा हूँ इसका मैं आपको बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाता हूँ। एक्चुअली नॉट बैक टेस्ट रिजल्ट, इसका हम दिखाते हैं, ये मैंने किसी के अकाउंट में बना के रखा हुआ है। आप में से किसी ने भी अगर बजट वाले दिन ट्रेड किया होगा बैंक निफ्टी में, एल्गो में, या किसी में भी, या कोई भी स्ट्रेटजी लगाई हुई, आई एम 101% श्योर उस दिन लॉस में गए होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का, क्योंकि इतनी वाइल्ड मूवमेंट मार्केट की हुई थी कि आमतौर पर स्ट्रेटजीज उसको संभाल नहीं पाई, वो लॉसेस हुए हैं सबको। तो मैं आपको आज ये दिखा रहा हूं कि ये एक स्ट्रेटजी है जो हमने 31 जनवरी 2023 को लॉन्च की थी। डोंट थिंक ये 5.4 लाख नहीं है, करीब 15 लाख की स्ट्रेटजी। सो एनीबॉडी इफ ही डजंट फील कंफर्टेबल पुटिंग सो मच ऑफ मनी, देन ही और शी मैनुअली कर ले तो ठीक है। ये एक 3 लॉट के ऊपर है बैंक निफ्टी, इसकी रिपेयर कंडीशंस बहुत है। तो ये रिपेयर के ऊपर रिपेयर है। मैं आपको आज बेसिक फंडा इसका सिखाऊंगा, इसको आगे कहां तक लेके जाना है दैट विल डू इट इन नेक्स्ट वेबिनार। नाउ फर्स्ट ऑफ फेब वी हैड अ बजट एंड द मार्केट वेंट 1200 पॉइंट्स अप, देन 800 पॉइंट्स डाउन, एंड देन फ्लैट ऑलमोस्ट बंद हुई थी। ऐसे कुछ हुआ था, आई वॉज नॉट ऑन द स्क्रीन। तो आप इस स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट देखो, आई विल जस्ट इंक्रीज द स्क्रीन साइज। ये अभी तक 1,33,991 रुपीज जनरेट कर चुकी है एंड नॉट इवन ए सिंगल डे हैज बीन इन द लॉस। प्लीज सी इट केयरफुली, इसका 15,000 रुपए एग्जिट पॉइंट है। जैसे 15,000 का प्रॉफिट बनाएगी ऑटोमेटिकली कट होके नई पोजीशन ले लेगी। मैं आज आपको इसका थोड़ा सा एक शॉर्टर वर्जन कराऊंगा एंड दैट इज फॉर डूइंग द बैंक निफ्टी स्ट्रैडल्स एंड हाउ यू पुट ए रिपेयर एंड देन ए रिपेयर ऑन इट। जब हम एडवांस करेंगे इन सब्सिक्वेंट वेबिनार दैट विल बी द पार्ट टू, देन वी विल गो अहेड एंड सी कहां तक हमें रिपेयर डालना चाहिए। नाउ दिस इज ऑलरेडी डिप्लॉयड विद डॉक्टर दिनेश अकाउंट। उन्होंने मुझे बोला था कि सर मुझे एक कर दो। डॉक्टर दिनेश महाराष्ट्र से हैं, तो नासिक से। सर नासिक से है ना आप? यस सर, यस सर, थैंक यू सर। यस आई एम फ्रॉम नासिक सर, आई एम अ फिजिशियन। तो ये डॉक्टर साहब के ग्रुप में मैंने दिल्ली जाने से एक दिन पहले बना के चला गया था। सो द फर्स्ट पोजीशन वाज टेकन ऑन 31st of January एंड वी आर इन ग्रीन ऑलमोस्ट। इसमें ग्रीन का है, इसमें एक ही ड्रॉबैक है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। सर इसको डिप्लॉय करने से पहले मेरे से पूछ लेना, इसमें एक हमने सेफ्टी डालनी है इसमें। यस सर, यस सर, ठीक है। तो वी विल डिस्कस दिस पार्ट ओनली टुडे। नाउ आप लोगों को मेरा तो सर आपका क्या लॉस हुआ था, तो मेरा तो आई हैड अ वेरी बिग लॉस। So there is a lot of request from the people that they could not join the community or the Telegram link. There is some issue with it. It has been reset. I'm just putting the chat in the chat box, the community link for the Let's Learn. कुछ नए members आए उनके लिए भी है। Now funda क्या है? Simple, आप इसको ये समझे। The bank Nifty, मैं आपको ना दूसरी screen पे ले जाता हूँ। Then I will create the first two steps only and then we'll go it. मैं उस शक्ति जी के अकाउंट में करूंगा। Sure, sir. अब बैंक निफ्टी स्ट्रैडल का क्या मतलब है कि अगर आपकी बैंक निफ्टी यहां खड़ी है, आप एक कॉल सेल कर दो और एक आप पुट सेल कर दो। द प्रीमियम यू आर सेलिंग इज योर द प्लेस वेयर यू आर सेफ। अब आजकल के दिनों में क्या हो रहा है कि मार्केट आपको एक ही दिन में दोनों मूवमेंट्स दिखा रही है। जैसे क्लासिकली आज हुआ, सुबह नीचे खोला, बाद में मार्केट उठाई, उठा के ऊपर ले गया, और हम लोग फंस जाते हैं कि हम जिन्होंने ऑप्शन बाय की हुई थी वो फंस गए बुरी तरह से। ये आपके आज 5 मिनट की कैंडल्स देखो,
ये आपका आज 23 फरवरी 9:15 ये 325 ये आज सुबह आपकी मार्केट खुली, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। आज जिन्होंने भी स्ट्रैडल किया होगा 922 930 935 विद 30% स्टॉप लॉस और 40% स्टॉप लॉस, आज दोनों तरफ के स्टॉप लॉस सेट हुए होंगे, आज ऐसा इन्होंने मार्केट घुमाई है। यस सर, मिस्टर, आज दोनों तरफ के सबके स्टॉप लॉस सेट हुए होंगे। नाउ आई टेल यू, यू टेक ए स्ट्रैडल एंड देन सी इट, हम प्रॉफिट में ही बाहर निकलेंगे और हमने उसको चलाना है अच्छी तरह। तो आज आपको मैं स्टेप वन करा रहा हूं। So I'm going to now make the first account. इसको अगर आप जो algo में कर देखते हैं, जिनको trade round का पता है, उनको मैं आज simple straddles का शुरू at the rate रह गया। वो मेरा एक shift खराब है। गौतम जी मेरा ये ठीक करवा देना यार please। अब ये आपका आ गया माय स्ट्रेटजीज, वी आर गोइंग टू क्रिएट इट। आपका ये फ्री अकाउंट है? हाँ सर। ये दूसरी सेव नहीं करने देगा, मैं लेट मी चेक इट। वो डिलीट कर दो ना सर, मैंने मेरे दूसरे अकाउंट में ले लिया यूरेश। अच्छा, माय स्ट्रेटजीज, मैं इसी को एडिट कर देता हूँ, मैं इसी को एडिट कर देता हूँ। इसका क्या नाम डालना है? अपाचे डाल देते हैं, इसको अपाचे पार्ट वन कर देते हैं। अपाचे मिनी, मिनी कर लो, चलो मिनी कर लेते हैं। बेस्ट है इसको डिलीट ही कर देता हूँ, बेस्ट है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। डिलीट कंफर्म डिप्लॉयड है ये सर। कौन रंग बिरंगा कर रहा है? डॉक्टर दिनेश कर रहे हैं। एक सर रुक जाओ, मैं ये ना सारा डिसेबल एनोटेशन कर रहा हूं। सॉरी सर, सॉरी, उन्होंने वो बंद कर दिया सर, मैंने उड़ा दिया वो, हो जाते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट इट। अब आप इसको बहुत, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वी आर जस्ट गोइंग टू कीप इट, इसका नाम हमने रख दिया है अपाचे मिनी करके। कुछ नहीं, आप कुछ भी रख लो इसका नाम, बस आपको याद होना चाहिए आपने करना क्या है। हर बैक टेस्टिंग एजेंसी आपको कहती है आप 9:19 पे लो, 9:21 पे लो, 9:22 पे लो। मैं कहता हूं आप जब मर्जी लो, हमें कोई लेना देना नहीं है। सो वी स्टार्ट विद द मार्केट टाइमिंग। टाइम NSE, ये स्टैंडर्ड है फॉर्मूला, ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर। हम सारा कट कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अब डॉक्टर दिनेश कहते हैं हमने 9:16 पे ही ले लेना है, कोई बात नहीं, हम दूसरा कंडीशन डाल देते हैं। अभी आप लोग फिलहाल डालना है इसलिए क्योंकि आप लोग अभी मिनी को ट्राई करोगे। लेस देन, यहां से नंबर को कॉपी किया नीचे पेस्ट, एंड हम टाइम डाल देते हैं 1500 आवर्स। हम क्यों बार बार इतने लेट क्यों ले पेशेंट? ठीक है, अब आपने टाइम डाल दिया इसको। एनी इशू स्टिल नो? हम सुबह 9:16 पे वी बी टेकिंग द पोजीशन 9:16 एंड एट 3:00 वी विल स्टॉप टेकिंग द पोजीशन, दैट इज सबमिट। वी मेक ए स्टैंडर्ड स्ट्रैडल व्हाट इज डन टॉट टू अस, जो हमने सब सीखा हुआ है। हम सेल करेंगे, वी आर ओनली गोइंग टू डील विद द थीटा। मैक्सिमम मनी आर ओनली इन टू थिंग्स व्हेन यू आर डूइंग इट इन ऑप्शन सेलिंग, इज वन इज एट स्ट्रैडल एंड सेकेंड इज इन ITM सेलिंग। We are not going to do ITM selling with in the public domain. Closed group में मैं जरूर कराऊंगा, but openly मैं नहीं कराऊंगा. So we are only looking at a straddle selling. Exchange NFO, we do it for the put first. Nifty Bank, we will keep it as normal because हमें हो सकता है next day तक इसको लेके जाना पड़े. कंट्रोल ऊपर आ रहा है, वी विल डू इट। एफएक्स
राउंड एलटीपी बेस 100. आई ओनली डू बैंक निफ्टी, सो प्लीज पार्डन मी, आई कैन नॉट गिव यू एनी ऑप्शंस रिगार्डिंग निफ्टी एंड फाइनेंस निफ्टी. दिस इज एनएफओ निफ्टी बैंक. ओके सबमिट. यहां तक आप में से किसी को कोई इश्यू नहीं आना चाहिए. वी आर लुकिंग एट द करेंट वीक, वी आर नॉट लुकिंग एट एनीथिंग बियॉन्ड इट. बियॉन्ड वाले में गेम स्टार्टल बॉम्ब आ जाता है, अपाचे एक्चुअली रफाल आता है, रफाल एंड स्टार्ट द थिंग स्टार्टल बॉम्ब आते हैं, दे आर रियली वेरी हाई पेइंग स्ट्रेटजीज. वो अभी मेरे चल रहे, जब तक 6 ट्रेड्स पूरे नहीं होंगे मैं आपको कराऊंगा नहीं. वी आर गोइंग टू सेल वन लॉट ऑफ पुट, सो वी एड इट. सेकेंड में हम कॉल करेंगे. यहां तक आपका सब कुछ नॉर्मल है, इस यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है. आपका एफएक्स भी नहीं चेंज होता बिकॉज आपने राउंड ही लेना है. आपने यहां पे करंट वीक करना है. जस्ट मेक इट श्योर डू नॉट क्लिक MIS हेयर, प्लीज डू नॉट क्लिक MIS हेयर. यहां पे आप नॉर्मल रहने दें. यहां पे लॉट्स 1 एंड वी एड इट एंड वी क्लोज इट. अब हमारे पास वन कॉल एंड वन पुट ऑफ द सेम वीक एक्सपायरी, ये हमारा बन गया. सो फर्स्ट वी गो एंड सेव इट. इससे पहले कोई लाइट लूट चले जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, नहीं बन पाए, सो वी क्लोज इट एंड आई गो एंड अपडेट इट बिकॉज अब हमने कट कॉपी पेस्ट ही गेम खेलना है. अब इसको सर पॉइंट समझे, हमने स्टार्डल बना दिया तो ये हमारी प्रोटेक्शन होगी करीब. अब बैंक निफ्टी की प्रॉब्लम क्या है, ये भागती बहुत तेज है. सो अगर आपकी निफ्टी यहां खड़ी है, इसको एक कैंडल लगनी है और आपका इस साइड का स्टॉप लॉस सेट होने में, और एक कैंडल लगनी इस साइड घूमने में आपके दूसरी साइड का स्टॉप लॉस सेट करने में. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब आप बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉसेस लगाते हो. अब हमने क्या करना है कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, अब हम रिपेयर कंडीशन लगाएंगे कि अगर बैंक निफ्टी लेट से 25% ऊपर चली जाती है तो हम इसको एक रिपेयर कंडीशन डालेंगे. रिपेयर कंडीशन क्या है, हम यहां से एक एक्स्ट्रा पुट सेल करेंगे. हम यहां से एक एक्स्ट्रा पुट सेल करेंगे ओटीएम 100 पॉइंट्स. इट्स नॉट एटीएम, इट्स ओटीएम 100 पॉइंट्स. रीजन क्या है कि अगर बैंक निफ्टी मान लो लेट से 39,667 पे खड़ी है तो उसने जो पुट बाय कर देनी है वो आपकी 700 वाली बाय कर देनी, 39,700. और भगवान ना करे मार्केट उल्टा घूमेगी तो इसने कॉल बाय कर देनी 39,600 की और आपकी पुट ये वाली होगी. ये दोनों प्रैक्टिकली एक तरह की आईटीएम हो जाती हैं और ये थोड़ा सा तंग करती हैं. फिर जब तक आप एक्सपायरी तक ना जाओ तब तक इसके प्रीमियम डिके नहीं होते और ये तंग करेंगी आपको. सो इसलिए वी आर गोइंग टू टेक ओटीएम 100. अगर आपको डर लग रहा है यू कैन टेक ओटीएम 200 ऑल्सो, बट डोंट ट्राई टू गो बियॉन्ड 200 बिकॉज फिर वो थोड़ा सा इश्यू आ जाएगा. बाय द टाइम यू विल अंडरस्टैंड ए रिपेयर ऑफ एनीथिंग कंडीशन, यू विल अंडरस्टैंड इट कि ये रिपेयर्स ही हमें बचाएंगी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज अब हम एक सेट और ऐड करते हैं, बट हम इस सेट में एक चीज जरूर ऐड करेंगे. अगर हमारा प्रॉफिट इसका पीएनएल इज ग्रेटर देन, आप एक स्ट्रैडल में कितना पैसा कमाना चाहते हैं सर, एनीबडी हु वांट्स टू से 4,000 ज्यादा नहीं हो गया सर? आई थिंक सो 1.8 लाख में अगर आपको 2,000 रीजनेबली गुड फिगर. अगर ये हो जाए तो आपका ये सेट से वो एग्जिट कर जाए. ये जरूर लगाना बिकॉज हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग पूरा दिन मार्केट रेंज में रहे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी रेंज में खुले और कटाक आपकी पोजीशन कट हो जाएगी पूरी. तो इसको जरूर लगाना. सेट टू विल बी ओनली द रिपेयर कंडीशन. We will only repair the in the set 2.
एनीबॉडी कैन पुट द लिंक ऑफ पवन जी, जरा ना किसी भी लेट्स लर्न किसी एक ग्रुप का लिंक प्लीज डाल दें चैट बॉक्स में. ओके सर. अब हम रिपेयर कर रहे हैं, नाउ वी थिंक द मार्केट इज गोइंग टू गो अप, तो एलटीपी ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट नेम, ये आप मैनुअली भी कर सकते हो, बट देन यू हैव टू कीप अलर्ट्स लगा के रख रहे हैं. इट्स नॉट कि आपने एल्गो ही करनी, बट यू कैन गो एंड डू इट. निफ्टी बैंक सेट वन, कंडीशन वन एंड लेग नंबर वन, हमने अभी अपनी पुट की लेग पे हम लगा रहे हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट प्राइस. सर यहां पे निफ्टी जरूर करना है, 1118 के ऊपर वाला साइन नंबर 1.25, कि अगर 25% इंक्रीज हो गया तो हमारी ये कंडीशन एक्टिवेट होनी चाहिए. दैट मींस द मार्केट इज फॉलिंग नाउ एंड आवर पुट इज इंक्रीजिंग इन वैल्यू. तो पुट का डेल्टा 0.6 हो चुका होगा एंड कॉल का 0.4 हो जाएगा, सो द पुट विल बी गिविंग यू अ लॉस. तो आपने सबमिट कर दिया, आपने बस अब यहां ऊपर जाना है, अब पुट लॉस दे रही है, इसको कॉपी करना है, यहां पे पेस्ट करना है और अब आपने इसको खोलना है. एफएक्स में जाने हैं, माइनस का साइन नंबर मैं 100 रखता हूं, ओके एंड सबमिट. करंट वीक लॉट्स नॉर्मल अपडेट क्लोज. अब हम मार्केट, ये हो रहा है कि मार्केट हमारी नीचे गिर रही है, तो हमने ऊपर से एक कॉल शॉर्ट कर दी यहां वाली लेवल पे, समवेयर ऑन बट इसी लेवल के पास ही कहीं शॉर्ट होगी. अब आज की तरह क्या हुआ कि उन्होंने मार्केट वापस घुमा दी, तो अब आपके अगेंस्ट दो पोजीशन है क्योंकि दो कॉल सेल हैं और एक पुट है. चाहे आप ग्रीन जोन में क्यों नहीं हो गए ऑप्स्ट्रा में, बट आप अभी तक प्रॉफिट में नहीं आओगे. थोड़ी भी मार्केट इन्होंने और घुमा दी तो ये वाली आपको जितना लॉस दे रही होगी अकेले ही आपको डिफेंड नहीं कर पाएगी. सो व्हाट वी डू इज वी पुट ए रिपेयर कंडीशन ऑन दिस. अब हमने क्या करना है, इसको कॉपी कर लो यहां से नीचे, पहले जाके अपडेट दबाओ, क्लोज. यहां पे पेस्ट कर दो. अब हमने इस कंडीशन पे लगानी है जो हमने एक्स्ट्रा कॉल सेल की हुई है, एडिट. सो दिस वाज सेट नंबर टू, कंडीशन नंबर वन, लेग नंबर वन, ओके. इसी को हम कर देंगे 2-1. सर इसको जस्ट समझे, मैं कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, मैंने सिर्फ एक एक कंडीशन बनाई, सबमिट क्लोज. अब आपकी अगर ये कॉल मार्केट उल्टी घूमी तो अब आपको ये पुट बचाएगी. यहां से इसको करो कॉपी. यहां पे एक गलती हुई है, प्लीज सर मैं आपको बताता हूं, आई एम सॉरी, किसी ने ध्यान नहीं दिया सर, यहां माइनस नहीं, यहां प्लस आएगा. हमने ओटीएम जाना है, कॉल बेच रहे हम लोग, हम पुट नहीं बेच रहे. सो दिस इज अ कॉल बीइंग सोल्ड, अपडेट एंड क्लोज. अब हम इसी को, हमने इसके ऊपर जो लगाया है स्टॉप लॉस, वो हमने क्या किया कि अगर इसकी वैल्यू 25% बढ़ती है जो हमने रिपेयर लेग लगाई है, तो हमारी एक डिफेंसिव पोजीशन और खड़ी हो जाए. अब हमने पुट करनी है, सो एफएक्स जाए, हमने ओटीएम जाना है, तो हमने एक माइनस का बटन दबाना है, नंबर 100. नाउ यू विल हैव ए पोजीशन विच विल बी डिफेंडिंग यू ऑन द अदर साइड ऑल्सो. अब आपका समवॉट लाइक दिस बनेगा, एक स्ट्रैडल होके छोटा सा बेस ऊपर बनेगा एंड देन इट विल बी लाइक दिस. अब आपकी दो पोजीशंस आपकी तरफ है एंड दो आपके अगेंस्ट है.
तो आपकी अगर मार्केट बीच में रहती है तो यू विल ऑलवेज गेन मनी. यू कैन कीप ऑन एडिंग रिपेयर लेग्स ऑन एवरी 0.25 बेसिस पॉइंट पे. आप उसको नेक्स्ट कर सकते हो 0.5 पे 1.5 हो जाए, फिर 1.75 हो जाए, फिर 2 हो जाए. बट 2.1 के बाद सर हमेशा एग्जिट का बटन होता है, जो आपका यूनिवर्सल एग्जिट होता है दैट शुड बी एट 2.1. जैसे डबल से हल्का सा ज्यादा भी होगी आप एग्जिट कर जाओ, क्योंकि फिर उसका वापस अंदर घूम के आपको प्रॉफिट देने के लिए आपको थर्सडे आफ्टरनून 3 बजे तक होना है और मार्जिन की रिक्वायरमेंट आपके ब्रोकर मांगते रहेंगे. सो इट्स बेटर टू कट इट ऑफ एंड कम बैक एंड देन फाइट अगेन. आज मेरे साथ हो चुका है, वो बीच में प्रॉब्लम आई थी, आई हैड टू मैन्युअली कट द ट्रेड, मुझे उसको काटना पड़ा क्योंकि उसने प्रॉफिट में नहीं आना था. बट अल्टीमेटली एट एंड ऑफ द डे इट वॉज अगेन ग्रीन. तो मैंने सेकेंड पोजिशन ली, उसने मेरा पूरा लॉस खा के वापस हम आ गए. सो वी आर जस्ट गोइंग टू क्लियर इट. यहां पे आपने जो यूनिवर्सल एग्जिट करना है, आप यहां पे अभी मैं आपको यूनिवर्सल एग्जिट ही करा देता हूं. पीएनएल सर आप कितना रखना है, पीएनएल ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 3000. 20-30% ऑफ द टाइम है कि आपकी फर्स्ट कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो जाएगी एंड यू विल एग्जिट आउट. तो हमने रिपेयर में से बहुत ज्यादा पैसा नहीं ढूंढना, हमने 3000 बनाना है और वो हो जाएगा. सो मतलब 2000 फ्रॉम द मेन वन एंड 1000 फ्रॉम दिस एंड वी एग्जिट इट एंड वी सबमिट इट. आई विल जस्ट पोस्ट इट, आई विल जस्ट पोस्ट इट. लेट मी स्विच ऑन दिस थिंग. इज So you need to only do one thing is you have to understand it that you are not putting up a stop loss either. Rather than that, you are taking a position. But since there are two legs, two almost straddles thrown, so your margin requirement becomes 3.6. I have done it. I have put 12 sets maximum on these kind of thing is. So that's why I need 15 to 20 lakhs always running in my account to do it. On the expiry day, I specifically do is I buy far OTM calls and put, and I get my margin requirement on the downside. So this is one trick you can use it. You can buy somewhere around about 5 or 10 rupees and you can do it. Don't buy it as a part of the strategy. It will give you a lot of losses. Because you will buy 1,000 points away, either it will give you an error or the positions you have sold for any other strategy, it will get merged with it. So don't buy as a whole from the account. I've seen this. Whenever you are doing buy, do it manually. It's always better for you. Because many times it will, the like we do a lot of this thing, Euro Strangle. Usme 1000 OTM leni hoti hai. Wo badi bari jab buy karne gaya, usne OTM hi ek buy karke uski position nil kar di, wo margin requirement ka issue aa gaya. So one has to be very careful when you are doing it. So this was the basic idea as a step one for all of you to understand. You can add here one more set and you can just then keep on doing it. Now you can just copy it and just change the set number to it. But whatever the first repair is on this leg. Now this is once the market is falling down. Now we will copy and make it on the other side. If the market starts running upwards, paste. Our call leg is on leg number 2 of the set 1. I will just show you. Submit. This is when the market is falling down. The market can go up also. The second leg is we have not put a repair condition on this one. We have only thought the market may go down. But if the market runs up, then also we need a protection. So what we have done is set number one, leg number one, condition number one. Oh, sorry, leg number two. Set one, condition one, leg number two. If it increases, the call price increases by 1.25%, we exit, we start repairing. It should start repairing it. अब करना क्या है, अब कॉल ऊपर गई है तो हमने क्या बाय करना है, पुट सेल करनी है. हमने यहां से इसको कॉपी किया,
नीचे आए यहाँ पे धीरे से पेस्ट कर दिया, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस हमने पेस्ट कर दिया, कॉल के बदले में हमने पुट कर दी। अब मार्केट रिवर्स कर दिया एंड इट हैज स्टार्टेड फॉलिंग, सो वी गो एंड कॉपी दिस वन लेग एंड वी जस्ट पेस्ट इट हेयर इन द रिपेयर कंडीशन, पेस्ट इट। नाउ यू आर रिपेयरिंग फॉर द सेट नंबर थ्री, बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर मेंशनिंग द सेट, योर एरर्स विल कम हेयर ओनली। थर्ड, so that's why I have said it should be a separate set whenever you are making it, and but you should know which leg you are repairing, okay? अब हमने क्या करना, put में हमें loss देने लग गया, तो हमने call करनी, हमने ऊपर जाना है, यहाँ से call copy करनी है, नीचे आके ये repair condition में इसको paste कर दो। So even if a market dances like this, you're not worried. You can feel very safe that, okay, fine, my both positions are there. You can carry it overnight. You have to be very, really, very unfortunate if the market really goes gap down. Then it will give you a loss. I have already shown you in a market which has gone 1200 points up, 800 points down, and then like this. Dr. Dinesh, I think so it was 32,000 rupees we made in that day. If yes, I'm not sir. Wrong, yes, sir. 32,000 rupees on three lots, yes, we had made it. Yes, sir. Kyunki when the market went this way, aapki ek position against thi, and there was all puts which were being sold. वो पुट्स ने इतना फायदा दिया कि ये कॉल अकेली लॉस नहीं दे रही थी, कटा कटा एट 15,000 प्रॉफिट। देन समवेयर हेयर इट टुक ए पोजीशन, मार्केट वेंट अप एंड देन फेल लाइक एनीथिंग। देयर वाज सिक्स आई थिंक फोर और फाइव कॉल्स व्हिच वर सोल्ड हेयर एंड इट वाज अगेन 16,000 ऑट वी मेड देयर एंड दिस पोजीशन क्लोज्ड इन, इट क्लोज्ड इन अप्रोक्सीमेटली ग्रीन। Now, there is a universal condition you need to always put it on. This is one condition which is there whether you have or you get satisfied or not. Now, you add a group below it. Now, this is the biggest safest condition. Do not make a mistake in and or. This is all or. This is or. It cannot be and. I made this mistake and I paid a price of 3.5 lakhs because it didn't repair it. By the time it didn't go both ways, it gave a lot of errors. There were huge positions which were taken and I could not manage it. So I had to cut it off immediately because there was no time to even react. LTP. Traded instrument name, come here. This is on the main leg only. Nifty Bank, set number one, condition number one, leg number one is greater than equal to. Traded instrument, Nifty Bank. Into there's another way, shorter way of doing it, but I'm just trailing you in this one. This is the safety feature. Okay. Now, if you are put condition, there is a massive fall in the market to prevent your major losses. It will automatically cut the position if it falls. Put another condition. Now, here is important is put or. This or is the most important feature. Copy it, paste it. Now what we need is on the call leg. Two, yahan se copy, paste, paste. Two, copy, paste, submit. Your safety features are all placed in.
your all safety features are totally placed in. अब मार्केट मॉर्निंग में बहुत मेजर गैप डाउन भी हो जाएगा तो आपको सर अनलिमिटेड लॉस नहीं होएगा, जैसे इमीडिएटली कट करते हैं पोजीशन. यू कैन कीप ऑन एडिंग नाउ सेट टिल 2.05 इवन. इफ यू हैव गुड कैपिटल यू कैन एड इट टिल 2.05. आई हैव डन इट एट एवरी 25 पॉइंट, 25, 50, 75, इवन 2 एंड 2.05 एंड 2.1 आई से बाय बाय टाटा. क्योंकि देन यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये लॉस में जाएगी ही जाएगी, अब नहीं आपको प्रॉफिट हो सकता. तो बेटर है कट ऑफ हो जाए जो 8, 10, 15, 20,000 जाने चले जाए. यूजुअली मार्केट अनलेस की बहुत एक दिन बहुत ज्यादा नीचे इट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली एंड नेक्स्ट डे गैप्स अप ओपन, यू विल नेवर गो इनटू सच काइंड ऑफ लॉसेस. इट इज ओनली अ वेरी वेवर्ड, वेरी बिग वेवर्ड मोमेंट दैट ओनली यू कैन गो इनटू लॉस. नाउ आई एम जस्ट डिप्लॉइंग इट into this thing is it requires, let's say ki there are three lots also, 540 update deploy. I will put it on three lots paper trading and Shakti ji ke account mein it has been deployed. So any question till now? So this is, we are done with the webinar. इसमें और अपाचे में क्या difference है? इसमें कम कम lots है, नहीं difference है और नहीं. There are three Apache में repair conditions पूरे वहां तक जाती हैं 2.05 तक. Apache ये तो मिनी बनाया ना उसका छोटा. अब इसके बाद इसके भी बड़े बड़े हैं. नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, फिर उसके नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है, एक मंथली एक्सपायरी ले रहा है. तो मंथली एक्सपायरी में तो आपका 3,000 पॉइंट का है, तो वहां पे तो 25 पॉइंट का तो कोई बेसिस ही नहीं बनता ना. वहां पे तो रिपेयर ही शुरू 30% या 40% पे होना चाहिए. सर इसमें हम लोग पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसे अच्छा हम लाइव ऑफलाइन कर सकते हैं सर? क्या सर? लाइव ऑफलाइन पेपर ट्रेडिंग में डाल रहे हैं जो चीज हम स्ट्रेटेजी को. यस सर. उसके बदले हम लाइव ऑफलाइन कर लें तो बेटर आएगा सर? आप वो भी कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं पेपर ट्रेडिंग में तो फिर वो 1 मिनट में आ जाता है ना, बात वो है. तो किसमें आ जाता है, आप क्या कह रहे हैं? लाइव फ्री वाले में लाइव ऑफलाइन हो या पेपर ट्रेडिंग, एक ही मिनट लेते हो. अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू. ठीक है, समझ गया जी, थैंक यू. मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, पैसा स्ट्रैंगल्स में सिर्फ साइडवेज मार्केट में है, स्ट्रैडल में पैसा दोनों तरफ है. बट अनलेस आपको मार्केट, यू नीड टू लर्न टू प्ले विद द डब्ल्यू. डब्ल्यू मार्केट में अगर आप खेल पाए तो सर गेम है. क्योंकि आपकी अगर मार्केट ऊपर से नीचे आई तो आपकी यहाँ पे कॉल एक्स्ट्रा सेल हो जाएगी. अब मार्केट ऊपर जा रही है तो आपने एक्स्ट्रा पुट सेल कर दी, और मार्केट नीचे आ रही है तो आपकी दो पुट है, एक कॉल और एक्स्ट्रा हो जाएगी, दो हो गई है, या तीन पोजीशन होगी, दो होगी. अब मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे दो और पुट आपकी सेल होगी. तो आपके अल्टीमेटली तो चार लॉट बन ही गया ना. अब चार लॉट में अगर आप लेके चलो 12 घंटे में, वो यहीं पे कहीं घूमता रहा तो आपको 200, 300, 400 रुपए भी अगर पर लॉट मिले तो चार लॉट के पीछे 1600 रुपए तो आ ही गए आपको. नाउ दिस इज वेयर द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. मैं अब आपको एक इसका दिखाता हूँ रियल बिग वर्जन कि हाउ दिस अकाउंट एक्चुअली दे हेल्प यू. और इसमें डर भी उतना ही लगता है सर. मैं आपको आज दिखाता हूँ, दिस इज सर. उसमें हमने दो बार ही रिपेयर किया है तो फिर 2.05 के बदले लाइक 1.8 या ऐसा कुछ रखना चाहिए क्या? नहीं सर, मैंने एक लास्ट में इसलिए रखा है कि एक लास्ट डिच इफेक्ट होना चाहिए. मैंने किया 1.5, 1.75, 2 एंड 2.05. सो 2. एंड 2.05 बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा. दैट इज अ लास्ट डिच इफेक्ट कि मार्केट शायद यहां से रिवर्स हो जाए और कुछ नहीं है, और देयर इज नो अदर वे. अब आप ये अकाउंट देखें, दिस इज द स्ट्रैडल बॉन्ड व्हिच इज आई मेड इन माय वाइफ्स अकाउंट. पहले ही उसका एग्जिट हुआ 50,000 रुपीज पे अप्रोक्सीमेटली. आज सुबह ये 49,000 नेगेटिव खड़ा था. इट वॉज 49,000 नेगेटिव, और मैंने कहा यार ये स्ट्रैटेजी तो अब गई, और दिन खत्म होते होते ये इतने पे रह गया सिर्फ.
तो बॉम्ब का क्या लॉजिक था, भूल गया सर। ये बॉम्ब का लॉजिक वो है, ये नेक्स्ट वीक ही लेता है और इसमें रिपेयर कंडीशन थोड़ी लेट है। है इसी बेसिस पे लेते हैं हम लोग, बट इसका लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैं बाद में करूंगा, ये बहुत हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। बहुत हाई रिस्क मतलब बहुत हाई रिस्क, इसमें हवा निकलती है, डर भी लगता है। देखो सर, आप दिन शुरू करो और आपको 9:20 पे 48,000 समथिंग लॉस नजर आ रहा हो तो आपको डर लगेगा। बट इफ यू गिव इट टाइम, अब आप देखो इसमें पोजीशन क्या, 39,000, 86,000, आप ये भी तो देखो ना कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन लेके बैठा हुआ है। ये देखो इधर, तो ये पोजीशंस का होता है। इनमें एक ही ड्रॉबैक है इन स्ट्रैटेजीज का। अब जैसे इसने कल सुबह रिपेयर लेनी है ना, इसने लेनी है कि इसके 9th of March वाले की ले ली है इसने, यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मेरा अपना मानना है कि वेनेसडे एंड थर्सडे को इट शुड नॉट टेक एनी पोजीशन, जाता है इसको खाली जाने तो इसको फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग 9:30 लेनी चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली तभी आपको फायदा है, नहीं तो इसने बहुत गंदी गंदी पोजीशन ले लेनी है। अब आप मानो ये अभी जो हमने सर का बनाया है, थर्सडे मॉर्निंग पोजीशन ले लें और मार्केट वी शेप करे, तो आपको एक टाइम में ऐसा डर लगेगा कि 12,000 नेगेटिव हो गए, आप ग्रीन रेंज में खड़े हो, आपको पर 1:30 तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो आपका हल्का सा ग्रीन नहीं होएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू होता है। सो थर्सडे वाले दिन यू मस्ट बी लिटिल केयरफुल एंड यू शुड नॉट पैनिक एट ऑल। तो थर्सडे को आपको हो सकता है कि माइनस दिखाए कि ये हो रहा है कि ये बहुत तेज भाग रही है, इधर भाग रहा है, वो भाग रहा है, तो घबराना मत, वो उसमें ही होता है। पर आफ्टर 12:00 तो गलती से भी मत लेना पोजीशन, बिकॉज एक तरफ की ऑप्शन 120 होगी, एक तरफ की 50-60 रुपए होगी, वो डबल का डिफरेंस होता है। सो तो 120 वाली ने रिपेयर होना है, उसने जाके रिपेयर होगी करीब 160 के पास, और 50 विल गेट रिपेयर्ड एट ओनली 60 or 70 रुपीज, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। वो 62 पे उसने रिपेयर ले ली, अब आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट खड़ी होगी, और अगर मार्केट रिवर्स कर गई तो महंगी वाली पोजीशन आपके अगेंस्ट खड़ी है, उसने रिपेयर नहीं जल्दी लेना। सो 12:00 ऑनवर्ड्स तो गलती से भी इसको दिस शुड नॉट बी डन। अगर इसको सेफ्टी फीचर डालना है तो somebody should put a face कि 4th day It should not take a trade beyond 4:00, beyond 12:00. मैंने अपने अकाउंट में 11:30 रखा हुआ इसका टाइम, कि 11:30 के बाद जो मर्जी हो जाए, अगर मैं लॉस में भी मेरी कट हो जाती कोई बात नहीं, बंद हो जाए, मैं पोजीशन नहीं लूंगा, बिकॉज उसने इनवेरिबली मुझे लॉस ही देना, तो इसको उसमें नहीं लेना बिल्कुल भी। मैनुअली यू कैन डू इट, यू कैन डू विद सिंगल लॉट, ट्राई इट योर सेल्फ, ऑप्शन में पेपर ट्रेड कर लें। I have learned this my own way, thinking, सोच के कि कैसे करते। I am not a SEBI registered, so I will request you to kindly be very careful when you are doing it the trade. So initially paper trade करो खूब सारा, and then we'll take the trades. So sir, any questions anymore? Anybody wants to ask? मैं आपको एक let's lunch group का link दे देता हूँ। सर उसमें जो सेट वन में 2,000 डाला वो अच्छी हो गया, तो सेट वन तो एग्जिट हो गया लेकिन सेट टू चलता रहेगा, तो सेट टू जब टोटल उसका आपका वो हो जाएगा प्रॉफिट 3,000 हो जाएगा, तो फिर वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो उसका सेफ्टी तो मैंने वहां से डाल दी ना। सर मैं ऐसा हो सकता है कि 2,000 प्रॉफिट होने के बाद आपका एक लेग रनिंग रहे। हाँ बस एक लेग रहे, क्योंकि 2-3 सेट ले लिया और फिर 2,000 का प्रॉफिट बनाते ठीक लगता नहीं है, तो मैंने ग्रुप का लिंक डाल दिया। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अगर यू कैन ज्वाइन इन, ठीक है। हमारे यहाँ पे तो अभी तक फ्री वेबिनार चल रहे हैं, अभी तो नाउ द नेक्स्ट हमारा जो एजेंडा पे है पवन सर और मेरा, और वी हैव ऑलरेडी ज्वाइन हैंड्स विद समबडी, इज टू गो ऑन द ऑप्शन बाइंग मैनुअली, वी विल बी गोइंग इन टू दैट पार्ट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रॉम नाउ। सो Anybody who wants to ask anything, or else we can just call off today. Just stop it.